के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही किसान सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत किया। दो दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द ही सभी की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सीएम ने किसान सम्मान समारोह में शिरकत की। सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर सरकार प्रतिबद्ध है। यही नहीं, सीएम ने किसानों को अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और ऑर्गेनिक खेती करने की सलाह भी दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाद में 60,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश में हैं, इन 60,000 ग्राम पंचायतों में भी अगर हम एक एक एफपीओ का गठन कर सकें तो स्वाभाविक रूप से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, और किसान समृद्ध है तो प्रदेश और देश स्वयं समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज का समय ब्रांडिंग का है, अपनी ब्रांड का प्रचार हम जितना कर सकेंगे वह उतना ही मार्केट में उसकी अपना उसका मूल्य होगा, और उस मूल्य के लिए हम सबको तैयारी करना, उसके लिए कार्य करना। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये मार्केट में जा सकता है, और मार्केट में जब आप उस माध्यम से गुजरेंगे और उसको उचित मार्केट मिलेगा तो बड़ी मात्रा में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में उसकी डिमांड के अनुसार सप्लाई करने में सफल हो सकते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ आज सीने स्टार गोविंदा भी नजर आए। बंद गले का काला कोट पहने और माथे पर टीका लगाए गोविंदा ने न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बल्कि गोरखपुर के मशहूर गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा गोरखनाथ से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सदैव जो कृपा वर्षानुवर्ष रही है, कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई, कष्ट नहीं आया, और आए तो निकल गए, आगे कभी ना आए। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के वादे को बीजेपी ने प्राथमिकता के स्तर पर रखा है। बस यही कारण है कि सीएम योगी जहां भी जाते हैं अपने उस वादे को बार बार दोहराते हैं। विकास साही, गोरखपुर, भारत समाचार।